लिखिए आप आगे। अच्छा, हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड कर लिया है, ठीक है। आज हम प्रूव करेंगे कि वाई, और ये पता है क्वेश्चन आपका आता भी है कि वाई न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। हम न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो सेकंड लॉ है ना, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ सेकंड लॉ से डिराइव हो जाते हैं, इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ कहा गया। मतलब जो फर्स्ट लॉ है और थर्ड लॉ है वो हमारा सेकंड लॉ से आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहला पोर्शन करेंगे, लिखिए, इट इज बिकॉज, पहले इसको वर्डिंग में लिख लेते हैं, इट इज बिकॉज द फर्स्ट एंड थर्ड लॉ आर कंटेन्ड इन इट, ठीक है। ये रीजन है कि ये इसी के अंदर कंटेन होते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पोर्शन है जो हमने प्रूव करना है, दैट इज फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो हमारा सेकेंड लॉ के अंदर आता है, ठीक है। उसके लिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। अच्छा, किसी ने सिलेबस चेक किया है आप में से? कनेक्टेड मोशन है आपके सिलेबस में? हाँ नो जी, मैम। मतलब वो भी कट कर दी हुई है, डिलीट कर दिया हुआ है, यस मैम। कनेक्टेड मोशन भी डिलीटेड। और क्या क्या डिलीट किया है इस यूनिट से? हाँ जी, ये यूनिट का डिलीटेड पोर्शन क्या क्या है? सीरत ने देखा था आई गेस। यस मैम। हाँ जी सीरत, क्या था फिर उसमें? मैम, कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इंपल्स, थर्ड, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं डिलीटेड? ये डिलीटेड पोर्शन अनाउंस किया है आपने, राइट? यस मैम। ये डिलीटेड पोर्शन अनाउंस किया है, ओके, ठीक है। फिर इसका मतलब कनेक्टेड मोशन तो है, वो तो कहीं पे भी अनाउंस नहीं किया आपने अभी, ठीक है ना? वो तो हम करने वाले हैं फिर इसका मतलब। चलिए फिर इसका फटाफट से ब्रीफ ले लेते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में तो आपके नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आएगा कैसे। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि बॉडी इज एट मैं अभी स्टार्ट रेस्ट किया है। और इन, हाँ जी ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, फर्स्ट लॉ ये बोलता है हमारे पास। तो अगर नो एक्सटर्नल फोर्स है तो इसका मतलब एफ इज इक्वल टू पक्का से जीरो होनी चाहिए, है ना? तो जो फोर्स है वो हमारी जीरो होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एम ए है वो भी जीरो हो गया। तो इसका मतलब मास कैन नेवर बी जीरो, मास कैन नेवर बी जीरो। इसका मतलब एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी जीरो होगी। अगर एक्सलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा? आइदर एक्सेलरेशन जीरो है तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो हो गया ना, तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी या तो कांस्टेंट है या फिर और जीरो हुई। तो बात समझ आई आपको? जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है कि बॉडी इज एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी या रेस्ट पे होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगी अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब। जैसे अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, ठीक है। समझ आया? कल ही आपको कॉन्सेप्ट करवाया था कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाता है तो दैट क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंट। और फिर यहाँ पे सेकेंड लॉ में एक हमने जीरो को भी हम लोग कॉन्स्टेंट लेते हैं, तो सेकेंड लॉ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि एम ए को जीरो करके मेरे पास ए भी जीरो आ गया, तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब आइदर एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन रहेगी अगर उसको बाहर से कोई भी धक्का नहीं लग रहा, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही। इज इट क्लियर? क्लियर यस है, ठीक है। तो इसको ब्रीफली समझना, ठीक है। आप लोग जितना ब्रीफ हो सके मैं उतने ब्रीफ पोर्शन में समझा रही हूँ, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कमिंग। थर्ड लॉ ऑफ, वैसे तो ये आता था क्वेश्चन, पता नहीं इन्होंने क्यों रिमूव कर दिया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, ठीक है। थर्ड
थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास जो है वो भी कंटेन्ड है सेकेंड लॉ में. तो हमने क्या कंसीडर किया, हम दो बॉडीज लेते हैं, एक ए लेते हैं एक बॉडी बी लेते हैं, ठीक है. इसके ऊपर फोर्स लग रही है एफ पी ए और इसके ऊपर फोर्स लग रही है एफ ए बी, ठीक है. इस तरह से आई एस डेट, ठीक है. अब मुझे जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है. हाँ जी, कौन सुनाएगा सेकेंड लॉ फटा से, फटाफट से जल्दी. ठीक है, तो फिर ऑन ए, ए के ऊपर एफ ए बी लग रही है, देखो ए के ऊपर एफ ए बी लग रही है हमारे पास, ठीक है. तो देखो हमारे पास कितना आ गया, डी पी ए बाई डी टी, क्योंकि अभी हमें सुनाया यहाँ पे कि देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई. तो ऐसे ही ऑन बी पे कर लेते हैं हम लोग, एफ पी ए इज इक्वल टू डी पी बी बाई डी टी. तो ये सेकेंड क्वेश्चन ऐड कर दो, एडिंग वन एंड टू ऐड किया, देखो सेकेंड लॉ यूज कर रही हूँ, आंसर थर्ड का है. तो एडिंग वन एंड टू, एफ ए बी प्लस एफ पी ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी पी ए वेक्टर प्लस डी बाई डी टी पी वेक्टर, ठीक है, क्लियर. तो डी बाई डी टी दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, पी ए वेक्टर प्लस पी बी. तो किसी भी सिस्टम के लिए हमारे पास ये पूरी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट. हाँ जी, कौन बताएगा, ये पूरे कल की क्लास में किया था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में, एज पी ए प्लस पी बी हमेशा क्या रहता है, एक कॉन्स्टेंट रहता है. तो कॉन्स्टेंट का जब भी ये डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो आंसर जीरो. यहाँ पे जीरो आ गया, तो इसका मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ पी ए. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड एक्शन ऑपोजिट. शुरू डायरेक्शन किया हमने सेकेंड लॉ से किया, और रिजल्ट कहाँ से आया हमारे पास, थर्ड लॉ से, थर्ड लॉ पर आया, ठीक है, क्लियर. हाँ जी मैम, उधर आपने एस पी ए प्लस पी बी आएगा ना. हाँ जी, अच्छा हाँ जी, एस पी ए प्लस पी बी बिल्कुल सही, ठीक है, पूरा है, मतलब इसको मैं कॉन्स्टेंट कह रही हूँ, इज इट क्लियर. ठीक है, तो अब चलते हैं, आप लोगों को कुछ बातें सुनाती हूँ मैं, क्योंकि जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पास, कनेक्टेड मोशन बोलते हैं हम, ठीक है इसको. तो बोलते हैं कि ना जब भी हम कनेक्टेड मोशन करते हैं उसके पहले ना मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाऊंगी, आपको वो बिल्कुल दिमाग में रखने हैं. लिखो चाहे ना, अगर तो आप लिख सकते हो तो इट्स गुड, बट मैं रफली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है. चलें चलें आगे. यस मैम, फुल पेज दिखा, ठीक है. अच्छा फुल पेज दिखा दूं, वेट अ सेकंड, दोनों का, ठीक है. हैव यू टेकन? यस मैम. ओके ठीक है, तो चले अब हम आगे चलते हैं. लिखिए जरा हेडिंग, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है. लिखना है लिख लो, समझना है समझ लो, आप लोगों की अपनी मर्जी है, दिस इज जस्ट फॉर इम्पोर्टेंट सेक, ठीक है. ओके तो लिखिए जरा नंबर वन, हमारे पास क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना. कहते कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मतलब कि हमारे पास इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस स्टेट में रहना. यस, मतलब कि अगर मैंने इधर टू बॉल्स रखी हैं किसी सी सॉ पे, तो इधर भी टू बॉल्स रखनी पड़ेगी मुझे, तभी वो बैलेंस रहेगा हमारे पास, ठीक है. तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले वर्ड आता है कि अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा मेरे पास कि जो बॉडी है वो या तो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है ना, मतलब जो भी बॉडी है ये, अच्छा अगर ऐसे आ गया तो इसको स्टैटिक को बोल देते हैं, एट रेस्ट वाला. डायनेमिक दो बातें ले लेते हैं, बाद में उसको एक्सप्लेन कर देंगे. डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर बॉडीज यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वो क्या है, विद सम वेलोसिटी, विद सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
ठीक है. अच्छा ऐसे होगा कि अगर रेस्ट पे है दोनों बॉडीज, तो जैसे अब ये दो पेन रखे तो ये दीज टू आर हमेशा क्या है अब मेरे साथ, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में. अगर मैं इसको मोशन में लेके जा रही हूँ तो साथ के साथ मुझे इसको भी मोशन में लेके जाना पड़ेगा, तो मतलब ये दोनों मोशन में, तो ये क्या है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में सेम ही तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो मतलब है ये दोनों क्या है इक्विलिब्रियम में, बैलेंस आउट कर रहे हैं एक बार एक दूसरे को. ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कि जब कोई बॉडी स्टैटिक रेस्ट पे है तब भी, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो भी फोर्सेस ऑन बॉडी एक्ट करेंगी, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी शुड बी जीरो. ठीक है, तो जितनी भी बॉडीज हमारी एक्ट कर रही होंगी फोर्सेस किसी किसी बॉडी के ऊपर, तो वो उन सबका सम कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. ये पहला पॉइंट बोलता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या मेंशन कर रहा है हमारे पास कि अगर आपके पास स्ट्रिंग या फिर रोप है, ध्यान से सुनना, अगर देखो मेरे पास स्ट्रिंग या फिर कोई रोप है, स्ट्रिंग और रोप और कोई वायर, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज है, तो अगर उसको हमने खींचा पुल्ड आउटवर्ड, देखो एक फोर्स इधर से लगाई एक फोर्स इधर को लगाई, खींचा, ये थे इसके एंड्स. ठीक है, जब मैंने पुल आउट किया तो बोलते हैं कि जो उसके दो एंड्स होंगे ना उनके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी. क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? टेंशन, वो भी उतनी टेंशन जो इस फोर्स को बैलेंस करे और इधर वाला इस फोर्स को बैलेंस करे, तो ये एक टेंशन प्रोड्यूस होगी इन दोनों के अंदर. तो इसका मतलब कि जो टेंशन होगी वो इन दोनों फोर्सेस के बराबर होगी. टेंशन वाला पॉइंट दोबारा समझा दो. देखो हमारे पास जब भी कोई धागे या कुछ आते हैं ना, जैसे मैं अभी आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के बताती हूँ, शायद उसमें समझ आए. ऐसे है, सपोज करो धागा, ये जब तुम इस धागे को स्ट्रेच आउट करोगी तो ये एकदम से ऐसा हो जाएगा स्ट्रेट. Yes, ma'am. है ना, तो मतलब तुमने स्ट्रेच आउट किया तो तुमने फोर्स लगाई इस तरफ को, तो जो धागे ने तुम्हें एक्चुअल में उल्टी फोर्स दी, ऑपोजिट फोर्स दी, वो देते हैं, उस वर्ड को हम बोलते हैं टेंशन. जब भी स्ट्रिंग रोप या फिर हमारे पास धागा या फिर कोई ऐसे थ्रेड इसी शेप का कोई चेन आ जाए, ये वाले सारे वर्ड्स यूज हो जाएं, तब उनके अंदर हमेशा जो फोर्स पैदा होगी वो कैसी होगी? टेंशन. ठीक है, और हमेशा उस तरफ को होगी जिस तरफ को हमने फोर्स लगाई होगी उससे ऑपोजिट तरफ को. तो जो टेंशन है वो है एक तरह की फोर्स ही है, पर आएगी कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. मैम, हाँ जी हाँ जी, पूछो मैम. मतलब जो ऑपोजिट फोर्स और जो हमने फोर्स लगाई है उन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो उसको हम बोलेंगे टेंशन प्रोड्यूस. ये देखो अभी मैंने क्या किया, ये देखो मैंने फोर्स लगाई ना, एक ही धागा है, एक दूसरी तरफ तो बंधा हुआ है, एक ही तरफ लगाई मैंने फोर्स, तो एक को फोर्स बैलेंस करने के लिए एक आई, यहाँ पे देखो एक को बैलेंस करने के लिए एक आई, दूसरी को बैलेंस करने के लिए एक और आई. तो मतलब कहने का मतलब है कि दोनों में से कोई भी एक रिजल्टेंट उठा के उसके लिए क्वेश्चन लिख दो कि टेंशन हमेशा किसके बराबर होगी? फोर्स के बराबर है. मतलब ऐसे करना है कि टेंशन के साथ अगर और भी क्वांटिटीज आ जाती है तो प्लस प्लस में लिख देना, पर शुड बी बराबर टू दी फोर्स, या फोर्स के साथ कोई दो तीन चीजें लग रही है शुड बी बराबर टू दी टेंशन. ठीक है, वो आगे क्वेश्चंस में मैं आपको समझाती हूँ क्या क्या होगा. ठीक है, समझ आ गई? अभी पहले आप लोगों को ये इतना पता लग गया कि टेंशन किसके बराबर होगी? जो हमने फोर्स अप्लाई की होगी. ठीक है, क्लियर? यस, पता चला मैम. ठीक है, अच्छा तो आप लोगों को ये बातें पता चल गई कि जब भी मैं धागा ऐसे ले लूं या ऐसे ले लूं तो मेरे पास टेंशन प्रोड्यूस होगी. ओके, तो लिखिए जरा आप नेक्स्ट हेडिंग, कनेक्टेड मोशन. देखो कनेक्टेड मोशन, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाई वी आर कॉलिंग इट कनेक्टेड मोशन? आप लोग अच्छी सी सुंदर हेडिंग बना के देखना, कनेक्टेड मोशन. अच्छा, अगर आपके सिलेबस में न्यूटन्स लॉ कैंसिल कर दिए हैं तो क्या फिर आप लोगों को फोर्स के बारे में, चलो मैंने तो पढ़ा दिया, पर स्कूल टीचर्स ने फिर फोर्स के बारे में क्या पढ़ाया होगा? क्योंकि कनेक्टेड मोशन में अगर आपको फोर्स नहीं पता तो फोर्स तो सारा न्यूटन्स लॉ डिफाइन कर रहे हैं. कनेक्टेड मोशन में देखते हैं हम लोग क्या है. कनेक्टेड मोशन का मतलब है, लिखिए, व्हेन टू बॉडीज आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग it is called connected motion.
ठीक है, जब दो बॉडीज हम स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टेड मोशन। ठीक है, स्ट्रिंग, धागा, वायर, ठीक है, रोप हो गई, चेन हो गई, ये सारे वर्ड्स हमारे पास किसके आएंगे, टेंशन लेके आने के वर्ड्स आएंगे। मैंने आपको जब पहली बार डिफाइन भी किया था तब भी ये बोला था कि आगे चल के हम सब रीड करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है कनेक्टेड मोशन इसलिए बोला जाता है, इन कनेक्टेड मोशन ऐसा होता है कि बोथ बॉडीज, कम से कम हम कनेक्शन दो लोगों में तो करेंगे ही, मतलब कनेक्शन दो चीजों में तो होगा ही। देखो जैसे ऐसे हो गया कि एक बॉक्स है मास M1 का और दूसरा बॉक्स भी है M2 का, तो इधर से मैंने फोर्स लगाई, मैं धक्का लेके इधर को लेके जा रही हूँ, तो देखो जिस स्पीड से पहला बॉक्स चलेगा उसी स्पीड से ये वाला भी चलेगा। ठीक है ना, क्लियर। तो कहते हैं कि इन कनेक्टेड मोशन बोथ बॉडीज मूव्स टुगेदर, दोनों इकट्ठी मूव करती हैं विद सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों मूव करती है विद सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम, बिल्कुल ध्यान से सीखना ये सारी बातें क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स एंट्रेंस है सारा। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ किस किस को हम ड्राइविंग बोलते हैं, किसको हम ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, लिखिए मैम, प्लीज एक बार दिखाना, मैं से पूछ लो कौन सा वर्ड लाइन नहीं समझ आ रही ना आपको कई बार, क्योंकि मैं बहुत फास्ट में लिखती हूँ तो हैंडराइटिंग नहीं समझ आती है। ओके मैम, ठीक है, डन। तो लिखिए, अब क्या हुआ हमारे पास, वन ऑफ द बॉडी, जिसमें से वन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ड्राइविंग बॉडी। ठीक है, एक ड्राइविंग बॉडी है, ड्राइविंग बॉडी कौन सी होगी जिसके ऊपर हम एक्चुअल में फोर्स लगाएंगे, मतलब ये देखो इधर से इसको मैं ड्राइविंग बॉडी बोल दूंगी या ड्राइवर बॉडी बोल दूंगी या ड्राइविंग मास बोल दूंगी, ये लेके जा रहा है और ये कौन सी है, ये उसके पीछे पीछे आ रही है, तो ये ड्रिवन हो गई, पीछे वाली ड्रिवन और आगे वाली ड्राइविंग। ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है बॉडी, एंड द अदर इज कॉल्ड, एंड अदर बॉडी इज कॉल्ड ड्रिवन बॉडी। ठीक है, अदर बॉडी जो है उसको हमने क्या नेम दे दिया, ड्रिवन बॉडी। तो लिखिए जरा, सबसे पहले व्हेन ड्रिवन मास मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल टेबल, फ्रिक्शनल का टेबल का मतलब, अभी तो वर्ड फ्रिक्शनल हम वैसे यूज नहीं करेंगे तो मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ कि जो साधारण आपका टेबल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम चल पा रहे हैं उसको फ्रिक्शनल सरफेस बोल देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ड्रिवन मास मूव करता है फ्रिक्शनल टेबल पे, ड्रिवन का मतलब पीछे वाली बॉडी। तो देखना जरा डायग्राम को, इस तरह ये एक टेबल बनाया मैंने, ठीक है, दिस इज माय टेबल, यहाँ पे एक इसका एक एंड लेते हैं, दूसरी, ऐसे प्रॉपर डायग्राम्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ से एक लगी है पुली, ठीक है, तो देखो ये जो अगर कोई मास वाली बॉडी है ना, और ये पुली के थ्रू देखो स्ट्रिंग के ऊपर कनेक्टेड है, और यहाँ से कनेक्टेड मोशन है तो दूसरी बॉडी तो लेके आनी ही पड़ेगी मुझे, तो ये नहीं। तो जो ड्रिवन बॉडी है, मतलब जो खींची जा रही है, उसका मास छोटा रखते हैं स्मॉल एम, और जो मतलब जो खींच रही है, मतलब जो ड्राइविंग बॉडी है, उसका मास हम कैपिटल एम रखते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक है, इस तरह से पुली के ऊपर कनेक्टेड, ओके। तो इसका मतलब जब ये नीचे को आएगा तो ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे मूव करेगी। देखो, व्हेन ड्रिवन मास मूव्स विद द ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है, क्लियर, क्लियर है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, अंश यहाँ पे क्या क्या लगेगा, एक्ट करेगा सबसे पहले, एनीवन, गर्ल्स आप भी बता सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये देखो एक तो यहाँ पे नीचे लगेगा ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है F is equals to M1 M2 by, है ना, G M1 M2 by R square, this is gravitational force, ये बोलना आपका बिल्कुल गलत है। एक लगेगा वेट mg, ठीक है ना मैम, नॉर्मल वेट बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा अभी इस पे, बिल्कुल भी नहीं, वेट mg इधर आ गया, तो आज देखो ना
आज मैं फ्रिक्शन भी तो आएगी, जो ऊपर जो बॉक्स ऊपर स्मॉल है मैं उस पे फ्रिक्शन भी तो लगेगी। मैंने पढ़ा दी फ्रिक्शन, हमने डिस्कस की फ्रिक्शन, जो चीजें डिस्कस नहीं ना की अभी तक उनको बिल्कुल नहीं जिक्र करना, ठीक है? फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं लग रही, हम लेके ही नहीं आ रहे हैं, सारा काम हमारा टेंशन करेगी। अभी देखना जरा, यहाँ पे अभी किसी ने बोला कि नॉर्मल रिएक्शन, सडनली आर्यन ने बोला कि अरे वो तो टेंशन दे देगी, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आज नॉर्मल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, आज उसकी जगह पे धागे के ऊपर लगती हुई फोर्स को क्या बोलेंगे हम, टेंशन, ठीक है? और ये देखो एक इधर से धागा लग रहा है और कनेक्टेड इधर से, तो जिस तरफ को कनेक्शन लगा होता है ना उस तरफ को टेंशन आती है। इस तरफ को कनेक्शन लगा हुआ देखो इस तरफ को, यहाँ पे मैंने बांधा हुआ था ना, तो जिस तरफ को बंधा हुआ है, जिस तरफ को कनेक्टेड है वो, मतलब जिस पुली या कोई जो भी मटेरियल है जिसके ऊपर कनेक्ट किया उसकी तरफ को टेंशन लगती है हमेशा, लग गई टेंशन। जब ये मूव करेगा तो इसकी कुछ एक्सेलरेशन होगी ए, और जब ये मूव कर रहा है तो मतलब सबसे पहले तो यही मूव कर रहा है डाउनवर्ड की तरफ, एक्सेलरेशन, ये फोर्सेस एक्ट कर रही है। तो लिखो जरा आप यहीं पे, आप लोग, मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस स्पेस में लिख रही हूँ, सो दैट कि आपको डायग्राम भी दिखती रहे और फॉर्मूला भी दिखे, ठीक है? आप लोग बिल्कुल यहाँ पे नीचे लाइंस में लिखोगे, ओके? लिखिए लेट लेट टू बॉडीज ऑफ मासेस एम एंड कैपिटल एम आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली, ठीक है? पासिंग ओवर अ पुली, ठीक है? द मास स्मॉल एम इज ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस सरफेस एंड कैपिटल एम इज वर्टिकल एंड इज कॉल्ड, कैपिटल एम को क्या बोलेंगे हम, ड्राइविंग या ड्रिवन? कैपिटल एम, ठीक है? ड्राइविंग मास, ओके? लिखिए ए इज द एक्सेलरेशन, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन मतलब दोनों के लिए सेम एक्सेलरेशन होगी, अभी ए वन ए टू मत करना आप कभी भी, ठीक है? सिर्फ इस कनेक्टेड मोशन में, इस वाले केसेस में, ठीक है? टी इज दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग, ठीक है? विच इज सेम फॉर बोथ मासेस, ठीक है? चलो हमने यहां तक लिख दिया। अब सबसे पहले मैं निकालना चाहती हूँ कि एक्सेलरेशन, तो इसका पहला पार्ट है, ठीक है? आप लोग फर्स्ट पार्ट है जो इसका, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालना है मुझे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ ड्राइविंग, सिर्फ इसकी इक्वेशन बनाते हैं पहले, पहले एक की इक्वेशन बनाएंगे फिर दूसरी को देखेंगे, पहले एक को देखेंगे फिर दूसरी को देखेंगे, ठीक है? तो पहले मैं फर्स्ट वाली को देख रही हूँ, तो फर्स्ट वाली को देखेंगे तो लिखिए जरा इक्वेशन, टर्न ही करना पड़ेगा मुझे पेज, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ड्राइविंग मास, पहले सिर्फ फर्स्ट वाली को देखना है फिर दूसरी वाली को देखना है, तो ड्राइविंग मास के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? मैंने क्या सिखाया था, फोर्स इक्वल्स टू टेंशन वाली, है ना? पर फोर्स तो इधर लगेगी लगेगी टोटल, देखो ये जर्नलाइज रूल है हमारे पास। मैं आपको एक और बात यहाँ पे सिखाती हूँ, देखो इधर आओ पॉइंट्स में, एक ऐसी ब्रैकेट में कहीं थर्ड पॉइंट मार्क करके लिख देना कि जो टोटल फोर्स एक्ट कर रही होगी ना वो किसकी होगी, सम ऑफ वर्चुअल फोर्सेस, वर्चुअल फोर्सेस का मतलब है उस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी, टोटल फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ वर्चुअल फोर्सेस। अब देखो जरा टोटल फोर्स तो मुझे कौन सी चाहिए, एम ए वाली, ठीक है? वर्चुअल फोर्सेस कौन सी एक्ट कर रही है, एम जी नीचे को है। अच्छा कौन बड़ा है, टी बड़ी है या एम जी बड़ा है? पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है तो कौन बड़ा है, टी बड़ा है या एम जी बड़ा है? ठीक है कैपिटल एम जी बड़ा है तभी तो पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है, तो इधर एम जी माइनस कैपिटल टी लिखूंगी, ठीक है? तो ये बन गई हमारे पास एम जी माइनस कैपिटल टी। फोर्स को तो मैं स्मॉल एम इंटू ए लिख सकती हूँ, पर मैं यहाँ स्मॉल एम नहीं लिखूंगी, कैपिटल एम लिखूंगी, क्योंकि किसकी बात हो रही है, ड्राइविंग मास की बात हो रही है। तो नंबर वन इक्वेशन,
गॉट इट. देखो ये फोर्स ये थी, मैंने बोला था सम ऑफ वर्चुअल फोर्सेस. वर्चुअल का मतलब जो बॉडी के ऊपर लग रही होती हैं झूठी फोर्सेस, असली में तो दिखती नहीं है, ये तो हमने डायग्राम में बना के देखी है. अगर आप कभी किसी चीज को हैंग करते हो ऐसे तो आपको कभी दिखता है, नहीं दिखता ना, तो इसलिए वो वर्चुअल कहलाई जा रही है. ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर लग रही है तो मास इसका एम जी वेट नीचे माइनस, ये उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए आई यूज्ड नेगेटिव साइन. ठीक है, माइनस ऑफ टी. अब ऐसे ही लिखते हैं इक्वेशन ऑफ, जल्दी बता दो मुझे तुम में से, इक्वेशन ऑफ ड्रिवन मास. फोर्स इज इक्वल टू, उसके ऊपर तो देखो फोर्स इज इक्वल टू, कोई और फोर्स लगी नहीं, सिर्फ फोर्स इज इक्वल टू टी है. टोटल फोर्स इज इक्वल टू वर्चुअल फोर्सेस कौन सी है, सिर्फ एक टी तो है तो टी रहने दो, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू टी, ये कर दो इक्वेशन नंबर टू. तो टू वन में सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग टू इन Are you getting it? कैसे questions बनानी है? This is very important. This is the base of the things. Do you get it? मैं बार बार repeat करती रहूंगी ये सारी बातें, जब तक आप लोगों को learn नहीं ना होती तब तक मैं repeat करूंगी. ठीक है, या फिर add कर दो इन दोनों को, या substitute कर दो, जैसे मर्जी कर लो. Add कर लेते हैं, add करना easy है. ठीक है, तो लिखिए जरा आप आगे, adding one and two. Adding one and two. Add किया, one में था capital M में इधर और इसमें small M में. उधर था mg minus t और इधर था plus t, है ना? तो t से t cancel हो गया और यहाँ पे m plus small m common निकाल लिया a से और इधर आ गया mg. तो मुझे क्या चाहिए? Acceleration. What I want? Acceleration. तो acceleration क्या हुई? Capital M into m plus small m. लो, acceleration का formula बन गया. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो इसका मतलब, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सारी बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेटर हुई ना, सॉरी फोर्स बोल दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ग्रेटर हुई ना. इस बात को प्रूव करते हैं, ए बाई जी इज इक्वल टू एम बाई एम प्लस एम. कौन सा मास बड़ा है? इज इट ग्रेटर देन वन और लेस देन वन? है ना, तो इसका मतलब therefore a is less than g. तो इसका मतलब क्या हुआ? Acceleration of connected system will be less than freely falling, will be less than the acceleration of freely falling body. जब भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की एक्सलरेशन आए तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, कि ये कौन सी एक्सलरेशन है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनना, अब आप लोग ना कभी आंसर निकालोगे तो 9.8 होती है ना एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर उससे ग्रेटर आ गई ना ये वाली एक्सलरेशन कनेक्टेड मोशन की, तो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि हमारा आंसर गलत है. गॉट इट? यस. ठीक है, अब एक्सलरेशन की वैल्यू तो आ गई है, लिखिए ये थर्ड दे दो इसको, यूजिंग थ्री इन टू. सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? टी इज इक्वल टू एम ए, यही थी. तो टी इज इक्वल टू एम इन टू ए की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एम जी बाय एम प्लस स्मॉल एम. तो इसका मतलब जो टेंशन है दैट विल बी कैपिटल एम इन टू एम इन टू जी, ऊपर प्रोडक्ट ऑफ मासेज है और नीचे सम ऑफ मासेज है इन टू जी. ठीक है, तो आपको हेडिंग में क्या बोला था कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे? यही तो कैलकुलेट करने के लिए बोला था. क्लियर हुआ सबको? Yes. अच्छा, नेक्स्ट वाला देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसी पे न्यूमेरिकल आएंगे, आप पुराने पेपर्स उठा के देख लेना, ऐसे ऐसी शक्ल के मिल जाएंगे आपको. देखिए, व्हेन, सेकेंड पार्ट जो है, when driven mass and driving mass both are hanging vertically with string
पासिंग ओवर अ पुली. ठीक है, जो पास कर रही है ओवर अ पुली. ठीक है, ये देखो पुली बनाई मैंने सेंटर में, ऐसे कर देते हैं दोनों. क्या बोला उसने, वर्टिकली हैंग किया हुआ. ठीक है, तो नोटिस करो जरा ऐसे, कैपिटल एम स्मॉल एम. ठीक है, अच्छा तो जो बड़ा सिस्टम है उसकी तरफ ही नीचे को एक्सेलरेशन आनी है, तो इधर को एक वेट एम जी लगेगा. अच्छा वेट एम जी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करते, तो इसके लिए छोटा वेट एम जी हो गया. तो ये ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि ये इसको खींच रहा है, तो ये इस तरह से जाएगा ना. गॉट इट? तो टेंशन किस तरफ होंगी, मुझे फटाफट से बना दो. अपवर्ड. कौन से वाले केस में? बोथ केसेस में अपवर्ड. वेरी नाइस, इसमें भी टेंशन अपवर्ड है, इसमें भी. जिस तरफ को कनेक्टेड होगा उससे उसी तरफ को जाता है. क्लियर है? पूछो अगर इस डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने ये कैसे बनाया और वो कैसे बनाया. प्लीज फील फ्री टू आस्क, प्लीज पूछो पूछो. अलीना समझ आ रहा है आपको? यस मैम. एंजेलिना आपको? हाँ जी. रवनीत इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे. चलो अब करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालिए. हर बार यही करते हैं सबसे पहले. एक्सेलरेशन थ्योरी तो अब लिखनी नहीं, कौन ड्राइविंग बॉडी है कौन नहीं. ठीक है, अब तो फटाफट फॉर्मूलाज निकालने हैं. सबसे पहला पार्ट है एक्सेलरेशन निकालनी. तो इक्वेशन फॉर, आप लोग बनाओगे आज इक्वेशन, इक्वेशन फॉर ड्राइविंग मास कैपिटल एम. कैपिटल एम हुआ ना ड्राइविंग मास, उसके बेसिस पे सारा सिस्टम चल रहा है. तो बताओ इसकी इक्वेशन. चलो बताओ, तुम लोग बताओगे. मैंने फिगर तुम्हारे आगे लिख दी. ड्राइविंग और ड्रिवन की इक्वेशन टर्न वाइज टर्न. हाँ जी हरजोत आप बताओ सबसे पहले. ड्राइविंग की कैपिटल एम की. नहीं ऑडिबल नहीं था. हाँ जी कौन बताएगा इधर से? MA is equal to MG minus T. हाँ जी कैपिटल एम ए इज इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस टी. हाँ जी हरजोत आपने यही बोली थी? Yes. ओके okay, तो देखो जरा सबने ये लिखिए. चलो अब फटाफट से दूसरे की भी बताओ. हाँ जी तन्वी आंचल बताएगी. आंचल निशु आंचल दोनों में से कोई एक बता दो सेकंड वाले की क्वेश्चन. सेकंड वाले की क्वेश्चन बॉयज में से. हाँ जी आर्यन can you please? ma'am small ma is equal to mg minus t. देखा कर दी गड़बड़. बस मुझे वही देखना. yes t minus mg. देखो आज कौन सी बड़ी फोर्स है, t बड़ी है या mg बड़ा है? सारा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है ना, ये देखो यही मिस्टेक्स हमें नोटिस करनी है. अभी दोनों इक्वेशंस को देखो और देन लुक एट योर फिगर्स एंड देन उसके बाद आप आगे सॉल्व कीजिए. एडिंग वन एंड टू, फिर तो वही स्टेप्स है हमारे पास, वही पुराने वाले. एडिंग वन एंड टू. ठीक है, तो कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी प्लस टी माइनस एम जी. तो टी से तो टी कैंसिल हो गया, पर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टू ए और यहाँ पे कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी.
तो इसका मतलब जो एक्सलरेशन आई दो बॉडीज की हमारे पास यहाँ पे कनेक्टेड मोशन में, m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू g, ठीक है। तो इसमें भी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेस देन वन, क्योंकि कैपिटल एम माइनस एम प्लस एम लेस देन वन है, जिसको मतलब ए इज लेस देन जी है इसमें भी। चलिए अब फटाफट से टेंशन निकालो, इजी क्लियर हुआ? यस मैम। देखो क्लियर होना बहुत जरूरी है, किसी भी बच्चे को किसी भी फोर्स को लेके डाउट है तो दे मे आस्क। टेंशन हमेशा उस तरफ को लगती है जिस तरफ हमने कनेक्टेड मोशन की हो, एक्सलरेशन हमेशा हमारे पास उस तरफ को जाएगी सारी पूरे सिस्टम की जिस तरफ को ड्राइविंग बॉडी होगी। देखो ड्राइविंग बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो एक्सलरेशन इधर, ये ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ड्राइविंग बॉडी की वजह से ये ड्रिवन बॉडी जा रही है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मिस्टेक्स को ध्यान से देखो आप, जो टी माइनस एम जी है वो कहाँ पे लेना है, स्मॉल एम कहाँ पे लेना है, कैपिटल एम कहाँ पे लेना है, ठीक है। कई टीचर्स M1 M2 करके भी करवा देते हैं पर फिर वो वहां पे मेंशन करते हैं कि M1 इज ग्रेटर देन M2 हर बार कंडीशन। यहाँ पे हम देख के बता देंगे कैपिटल M का मतलब है बड़ा मास, स्मॉल M का मतलब है छोटा मास। वंस डन प्लीज इनफॉर्म। डन मैम। आई एम डन। डन मैम। डन। चलो चलिए आगे लिखो फिर, टेंशन कीजिएगा, सब्स्टिट्यूट टेंशन की क्वेश्चन निकालो। हो गई मैम। टेंशन भी कैलकुलेट कर ली सीरत, वेरी नाइस। हम डन। वेरी नाइस पलक। डन। अभी डन हो गया सबका। टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन देखते हैं हम। तो T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए था अकॉर्डिंग टू इक्वेशन टू, ऐसे करो पहले इक्वेशन टू ही लिख देती हूँ। एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी था, इसको इधर लेके आई तो एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो अब हमारे पास है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपके पास है एम ए, ए की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, ठीक है। अब दोनों में से स्मॉल एम जी कॉमन निकाल लो, देखो इसमें भी एम एंड जी है, इसमें भी एम जी कॉमन है, तो इसमें कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस वन इक्वल्स टू टी। mg is equals to capital M minus small m plus capital M plus small m divided by capital M plus small m, LCM दिया, इससे ये cancel हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, mg into 2 capital M by m plus m is equals to t, तो ये कितना आ गया 2 capital M into g by capital M plus small m is equals to tension। हाँ जी गलत आया, देखो भाई जिसका गलत है वो प्लीज चेक कर लो, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो बता दो, बट ये आंसर सही है मतलब आंसर ठीक मैच हो गया, ठीक है। समझ आई बात आप सबको कैसे सॉल्व करने हैं? यस यस। इज देयर एनीवन जिसको नहीं पता चल रहा है? हाँ जी अंश, क्लियर है अंश? हर्ष गुप्ता जी, कुणाल, अनुभव, ठीक है, दीज आर क्लियर टू यू? अंश राज, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर एक न्यूमेरिकल दू अभी, आप लोगों ने करना है इसी को बेसिस पे, ठीक है, सबका आना चाहिए। अब ब्लॉक देख लो, अभी जिसका नहीं हुआ नोट डाउन तो वो पहले देख लो। सिक्स पॉइंट, चलो देखते हैं।
हाँ जी कर लिया ये सबने? यस ठीक है लीजिए. कहते हैं कि हमारे पास एक कोई ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास 0.8 केजी इज ड्रैग्ड हॉरिजॉन्टल ड्रैग्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ हैंगिंग ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी. ठीक है, सो फाइंड the acceleration and tension in string. जो चलिए डायग्राम भी आपने खुद बनानी है सब कुछ. You need to do it by yourself only. आज देखो हमारे पास जब आपको स्टार्टिंग में समझाते थे ना तब वो सबसे मुश्किल बेस था कि ठीक है आप लोगों का कैसे एक्सप्लेन करना एंड एवरीथिंग. अब जब से ये आ जाएगा तो धीरे धीरे बस हमने स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमने केसेस करने हैं. दैट्स इट. आपको अगली जो थ्योरम आएगी अगली एक्सरसाइज आएगी मैन इन अ लिफ्ट का भी थोड़ा सा. पल्स भी कट गया है ना किसी ने यहाँ पे बोला था. इम्पल्स इज ऑल्सो डिलीटेड. यस मैम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इम्पल्स भी डिलीट हो गया. मतलब सारे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाल दिए तुम्हारे. फिर क्या करवाएंगे वो सीधा फ्रिक्शन पे आ जाते हैं फिर तो. मैं ही चेक करती हूँ तुम्हारा सिलेबस ना एक बार. हाँ जी कितना है आंसर? डायग्राम बनाओ पहले तो सेम वैसी फिगर जैसी बननी चाहिए इसके ऊपर. कोई ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता चला वो प्लीज दे मैं आस्क. अभी देखो टाइम है हम बाकी सब लोग कर रहे हैं तो आप पूछ लो. मुझे नहीं समझ आ रहा. हाँ जी कौन? आंचल. यस मैम. क्यों क्या नहीं समझ आ रहा बोलो बताओ. मेरा नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम था तो पहले वाला टॉपिक छूट गया. पहले वाला मतलब इसी से पहले वाला मैम कनेक्टेड मोशन वाला का फर्स्ट पार्ट छूट गया. अच्छा तो देखो कनेक्टेड मोशन में बाकी सब लोग करते जाओ प्लीज. न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लिया होगा सबने. ठीक है तो देखो आंचल आपके लिए ये देखो जब हमारे पास ड्रिवन मास को मूव करते. ड्रिवन का मतलब होता है जो खींचा जा रहा है और ड्राइविंग कौन सा होता है जो खींच रहा होता है जो बड़ा मास है. तो बड़ा मास कैपिटल एम है स्मॉल एम ये रहा. ठीक है तो अब क्या हुआ कि जब मैं ऐसे मास रखूंगी एक को वर्टिकल और एक को हॉरिजॉन्टल तो बोलते कि हॉरिजॉन्टल ड्रैग हो रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर. ड्रिवन मास तो बोलते कि जब मैं इसको खींचूंगी तो ये नीचे की तरफ गिरता है इट फॉल्स. ठीक है जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ वेट एम जी नीचे की तरफ तो जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो टुवर्ड्स पुली के टुवर्ड्स होती है हमेशा हमारे पास. इस तरफ आते तो इसका मतलब ये उस तरफ को खींचा जाएगा क्योंकि ज्यादा वाला मास उस तरफ को. हाँ जी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाँ जी और टेंशन 5.6 सबकी 5.6 आई. ठीक है इट्स गुड. ठीक है तो देखो आंचल हमने यहाँ पे इक्वेशन की कि जब ड्राइविंग बॉडी थी ड्राइविंग का मतलब है ये वाली तो हमारे पास रूल होता है कि जो फोर्स है यहाँ पे मैंने करवाया था कि फोर्स टेंशन के बराबर होती है. पर अब क्या रूल आ गया कि टेंशन के अलावा भी और भी वर्चुअल फोर्सेस बैठ सकती है. तो बोलते हैं कि जो फोर्स होगी ना टोटल विल बी इक्वल टू सम ऑफ वर्चुअल फोर्सेस. अब सम ऑफ वर्चुअल फोर्सेस मतलब एक वेट एम जी हमें हमेशा पता है कि ये नीचे की तरफ होगा. ठीक है एक टेंशन बैठी हुई है तो एम ए इज इक्वल टू अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और कौन सी बड़ी है टेंशन बड़ी है एम जी बड़ा है तो मैंने देखा एम जी की तरफ सारा सिस्टम गिर रहा है तो इसलिए एम जी बड़ा है तो एम जी में से टेंशन सब्ट्रैक्ट करनी है तो एम जी माइनस टी. ठीक है तो फिर दूसरे वाले के लिए देखो और कोई वर्चुअल फोर्स लग ही नहीं रही है सिर्फ एफ इज इक्वल टू टेंशन के बराबर है फोर्स इज इक्वल टू टेंशन तो हमने लिखा. ठीक है इन दो इक्वेशन को हमने एड किया. जब हमने इन दो इक्वेशन को एड किया तो हमारे पास पीछे वाले पेज पे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई कुछ. अच्छा आप सबने ना बार बार सिर्फ डायग्राम बना के दिखाना है पर आप सबने सॉल्व नहीं करना पूरा थ्योरम. ठीक है देखो हमने ऐड किया उन दोनों को
गए तो एक्सेलरेशन आ गई, ये नीचे चला गया, इसकी वैल्यू उठा के मैंने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट की p = ma में, तो मेरे पास टेंशन आ गई। ठीक है अंजल? देखो जिनका ना ऐसे कनेक्शन पुअर होने के कारण आप लोगों का रह जाता है ना, तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप जरूर उसको सुनना। ठीक है, तो चलिए जिन लोगों का नहीं हुआ उनके लिए सॉल्व करवा देते हैं। ये वाला वेट कितना है आपके पास? एक टेंशन इधर होगी, एक टेंशन इधर होगी, वेट एम जी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन है, तो ये मास है और फिर जी लगाना है अभी इसके साथ। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? हाँ जी, कैपिटल एम जी एम प्लस है ये। ठीक है, तो ए कैपिटल 2 इनटू 9.8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ गया 2 प्लस 0.6 है या 0.8, तो ये आ गया 2 इनटू 9.8 डिवाइडेड बाय 2.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये कितना आ गया 196/28, तो ये 7 के टेबल में जाते हैं, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आ गई। टेंशन कितनी आई? टेंशन कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी, तो इसका मतलब ये वाला तो अच्छा, ये वाला बड़ा फैक्टर तो हमने 7 ऑलरेडी कैलकुलेट किया, इसको मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल एम के साथ। ये देखो ना, ये वाला फैक्टर तो यही बैठा हुआ है एम जी और ये पूरा, ये तो 7 ही आया अभी, 7 इंटू स्मॉल एम, 7 इंटू स्मॉल एम कितना हुआ, स्मॉल एम कितना है 0.8, तो कितना आया 5.6 न्यूटन। टेंशन जो है ये एक तरह की फोर्स है, तो 5.6 न्यूटन आया। इज इट क्लियर? सबको समझ आया कैसे न्यूमेरिकल करना है हमने? ठीक है, तो लिखिए एक और न्यूमेरिकल लिखिए फटाफट से, थोड़ा सा सिस्टम चेंज करती हूँ एंड लेट मी सी कि आप लोग कैसे सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो इस सिस्टम को। ठीक है, तो लिखो जरा कनेक्टेड मोशन के ऊपर ही। हमारे पास है, लिखिए मासेस, मासेस 6 kg एंड 4 kg आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, किसी तार से मतलब किसी वायर से स्ट्रिंग है, प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 20 newton मतलब धक्का दिया जा रहा है, इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। ठीक है, फाइंड the acceleration and tension, number one, when force on 6 kg mass की और जब force apply की हमने 4 kg mass के ऊपर, दोनों पे निकालो। चलो पहले तो diagram बनाओ आप लोग, तभी answers आएंगे आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचने वाला। एक्सेलरेशन तो सिस्टम की ऐसे ही निकाल दो ना, दोनों के लिए एक्सेलरेशन सिस्टम की सेम आएगी, जब फोर्स अप्लाई करते हैं हम, ये देखो जब ऐसे सिस्टम बैठा हुआ है, उन्होंने बोला हॉरिजॉन्टली बैठेगा, यहाँ पे 6 kg है, स्ट्रिंग से अटैच है, यहाँ पे 4 kg है, तो पहले तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, टोटल फोर्स अप्लाइड ओवर टोटल मास, तो बताओ कितनी होगी एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स 20 न्यूटन अप्लाई की, टोटल मास 10, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 2 meter। तो एक्सेलरेशन आपने वैसे नहीं करनी, क्योंकि इस बार देखो ना कोई नीचे गिर रहा है ना कोई पुली की कहानी है, तो इसलिए ये तो एक्सेलरेशन ऐसे ही निकालनी है हमें। अब प्रॉब्लम आती है जब हम फोर्स निकालेंगे, टेंशन निकालनी है ना जब अकेले अकेले के ऊपर, तो वो कैसे निकालोगे आप वो बताओ मेरे को। दैट इज अ वेरी नाइस थिंग, ऐसी क्वेश्चन आपको दो दो तीन तीन बॉक्स बना के होमवर्क में दे दिया जाए तो आप सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले आपको देखनी है टेंशन, जब मैंने 6 के, देखो आप लोग अलग अलग डायग्राम बनाना, यहां तक लिख लिया सबने, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, ये लिख लिया, तभी मैं पेज टर्न करूं, बता दो मेरे को। यस मैम।
ठीक है, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लो। हाँ जी हाँ जी, क्या 4.8 है टेंशन टोटल? टेंशन अलग अलग आएगी इस पर बॉडीज की, क्योंकि इस बार वर्टिकल नहीं ना बैठा हुआ कोई भी, जब भी वर्टिकल वगैरह होता है तब ऑलमोस्ट सेम आती है। ये देखो इधर तो जब 6 kg वाला है और इधर 4 kg वाला है, तो आज उसने बोला जब मैंने फोर्स अप्लाई की किसके ऊपर, 6 kg के ऊपर, 6 kg के ऊपर मतलब मैंने धक्का मारा है इस तरफ को, ठीक है। तो अकेले 6 kg वाले को देखूंगी, अब मैं 4 वाले को तो देखूंगी भी नहीं, ठीक है। ये देखो जब मैंने उसके ऊपर धक्का मारा, तो अगर मैं ये वेक्टर है ना फोर्स, इसको उठा के इधर ले जाऊं, टेंशन को इधर ले आऊं, या फिर टोटल टेंशन को इस तरफ को प्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि जो भी टेंशन इस फोर्स की वजह से बनेगी वो तो इधर से आएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैंने इसके ऊपर फोर्स दी तो इसके ऊपर पक्का से टेंशन प्रोड्यूस हुई कुछ थी। मैंने इसके ऊपर 20 N फोर्स दी, ठीक है, लगाई और टेंशन इसके ऊपर आई, ठीक है। एक्सेलरेशन है मतलब ये इस तरफ को जा रहा होगा जिस तरफ को टोटल फोर्स लग रही है हमारे पास। अकेले अकेले बॉडी को करना है, जब ऐसे टू टू बॉडीज का हॉरिजॉन्टल सिस्टम आ जाए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है कि ब्रेक कर दो और देखो। वहां पे उसने ये तो नहीं बोला कि मैंने पुश किया या पुल किया, ठीक है। तो अपनी मर्जी से हम लोग एक तरफ को फोर्स अप्लाई कर देते हैं और उसी तरफ को एक्सेलरेशन है। तो क्या बोलता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फ्री बॉडी डायग्राम, जल्दी बताओ ना। जिस तरफ को जा रही है मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक फोर्स लग रही है और माइनस ऑफ टी। तो मास कितना है हमारे पास, 6, ए कितनी है 2, ठीक है 12 बोला था अभी यहाँ पे किसी ने, हाँ जी 20 माइनस टी टेंशन निकालनी, तो 12 इज इक्वल टू 20 माइनस टी, तो टी इज इक्वल टू 8 N, ये आगे 6 वाले के ऊपर। अब निकालते हैं व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 4 kg मास, ठीक है। जब 4 kg वाले मास के ऊपर अप्लाई की तो 4 kg है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से उसके ऊपर अप्लाई की हमने, ठीक है। तो उसके ऊपर टेंशन देख लेते हैं, जिस तरफ को सेम एक्ट करवाना, ठीक है। आप लोग जिस तरफ को उस पे एक्ट करवाइए उसी तरफ को इसी वाले पे एक्ट करवाना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैंने ऐसे आमने सामने रखे थे तो इसका मतलब इसकी 20 N फोर्स इधर रख लेते हैं, इसकी एक्सेलरेशन जिस तरफ को फोर्स लग रही है उस तरफ को एक्सेलरेशन, इधर टेंशन टी डैश। तो इसका मतलब फिर से एम ए इज इक्वल टू F माइनस टी डैश, तो M कितना है 4 × 2 20 माइनस टी डैश, तो इसकी टी डैश कितनी आ गई, गॉट इट। टोटल 20 N बैलेंस कर दिया उस टेंशन ने। देखो टेंशन का मतलब था कि जो भी पूरी स्ट्रिंग के ऊपर लग रही है, अगर 20 N आप बाहर अप्लाई कर रहे हो तो अंदर का भी सम टोटल करके जो टेंशन आनी चाहिए दैट शुड बी 20 N, गॉट इट। Yes, ma'am. अकेले अकेले सिस्टम को ब्रेक करना है, इसको करने का मेथड है। कल को आपको 3 बॉक्सेस दे दिए उन्होंने, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क करके आओ, ठीक है। मैं बना के दे देती हूँ, 3 ब्लॉक्स है आपके पास, ठीक है। इस तरह से हॉरिजॉन्टली बैठे हुए हैं, सेम वैसे सिस्टम 10, 20, 30 kg, kg and kg, ठीक है। ओके, इस तरह से बैठे हुए हैं आपके पास और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम 60 N। फोर्स जो अप्लाई की है वो 60 N फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। तो निकालना, और जब अकेले अकेले को बनाते हैं ना तो हम इसको बोलते हैं FBD, मतलब इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। NCERT में आपको कहीं पे नहीं बातें मिलेंगी, ये सब आपको इंडिविजुअली सॉल्व करनी है, क्योंकि पेपर में कुछ भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो पहले 10 पे निकाल लेना, फिर 20 पे निकाल लेना, फिर 30 पे निकाल लेना और 60 N को लेके तीनों की अलग अलग टेंशन आ जाएंगी, T1, T2 and T3। क्लियर है ये सबको? Yes, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये लो, ये वाला न्यूमेरिकल आपने करना है, ठीक है। दिस इज योर न्यूमेरिकल, इज इट क्लियर? यस मैम, ठीक है। तो ये होते हैं डायग्राम्स, ठीक है। सिखाते क्या है और न्यूमेरिकल में क्या दे देते हैं, तो वही प्रॉब्लम आपकी रिमूव करनी थी मेरे को। तो ऑलमोस्ट इसी टाइप्स पे आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल, दोनों वर्टिकल, ठीक है, और एक ऐसे सब कुछ हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, ठीक है। देन ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। Happy to be the one.
थैंक यू मैम. हैप्पी टीचर्स डे.